उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्थिलमपुर फल बाजार में रेहड़ी लगाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष के चार लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना रात की है। जानकारी के अनुसार मौजपुर में रहने वाले मोइनुद्दीन अपने तीन भाई हसन, अनवर और मुबीन के साथ स्थिलमपुर फल मार्केट में रेहड़ी लगाते हैं। उनका आरोप है कि रात करीब 11 बजे स्थिलमपुर निवासी आजाद ने फल रेहड़ी लगाने को लेकर उनके साथ झगड़ा किया। इसके बाद उसने फोन कर अपने भाई शहजाद और गुन्नू को बुला लिया, जो तलवार, रॉड और लाठी लेकर पहुंचे और आते ही उन्हें पीटना शुरू कर दिया गया। इस हमले में सभी भाइयों को गंभीर चोट आई है। फिलहाल दोनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। आसपास लगी CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अकबर है। क्या हुआ सिलमपुर के अंदर? सिलमपुर के अंदर मेरे भाई फल का काम करते हैं। हाँ। और उनके बराबर में कुछ लड़के भी काम करते हैं। हाँ। तो वो कुछ दिनों से, मतलब महीने भर से परेशान कर रहे थे, गाली गुप्तारी या छेड़ा छाड़ी। अच्छा। ठीक है, हमारे पास एक लड़का काम करता है। हाँ। उसको वो छेड़ लेते। अच्छा। तो हमने उससे मना करा तो हमसे भी बदतमीजी करने लगे वो। अच्छा। मेरे बड़े भाई से, तो उसका नाम है गुल्लू। अच्छा। गुल्लू कहते हैं उसे, और उसका एक भाई है शहजाद, और एक का नाम और है, उसका जानते नहीं मैं, तो आजाद है, आजाद नाम है। 10-12 और लड़के थे इनके साथ में, तो इन्होंने मेरे भाई को मारा था। इन्हें कैसे मारा? किस इनके, मतलब रोड बोर्ड थी उनके हाथ में, और एक के हाथ में तलवार थी, और एक के हाथ में इतना बड़ा छुरा था। ठीक है, तो मेरे भाई को मार दिया। मेरे पास फ़ोन आया, फिर मैं गया वहाँ पर, तो मेरे भी उनने पहले यहाँ मारी, तो यहाँ से कट गया, फिर मेरे उसने हाथ पे मारा था तलवार। तो फिर वो मेरे पूरा यहाँ पर आए 15 टाँके। हाँ, पूरा मतलब डैमेज हो गया है हाथ, बिल्कुल आधा ख़त्म हो गया है। तो उनने तलवार मारी थी मेरे। आपके, आप भी थे उस वक्त? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मईउद्दीन। क्या हुआ, क्या हुआ था? ये लड़ाई लड़ना चाह रहे थे महीनों से। इनका काम ही है लड़ाई लड़ना, दूसरे को परेशान कर का। थाने में भी ये बदमाशी करते हैं दूसरे को। तलवार लेके आए थे, डंडे रोड लेके आए थे ये। आपका मुबीन। क्या हुआ, क्या था ये सब? हमारे पास एक लड़का काम करता है, उससे ज़बरदस्ती मारा पीटी करते हैं। हमने कहा तो हम पे भी हावी हो गए, और इनका तो महीनों से प्लान के तहत इन्होंने काम किया है हमारे साथ। इनकी तो झगड़े करने की आदत ही है। और किससे मारा आपको? यही इनके पास था, और रोड सरिये हैं और ये तलवारें थी इनके पास। अच्छा। और ये चोट लगी है, और मतलब बदमाश हैं मतलब। और हम पुलिस से अपनी हिफाजत के लिए कह रहे चाहते हैं कि पुलिस हमारी हिफाजत करे। क्या नाम है आपका? इस्माइल अली। आपके भी लगे हैं? कितने लोग थे वो आपके जो मारा? वो थे तीन थे और 10। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।